लोग कहते हैं बिना टैलेंट के सक्सेसफुल होना संभव ही नहीं, असंभव है। मैं कह रहा हूं कि बिना टैलेंट के भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज आप अपना लें जिसमें जीरो टैलेंट, ZERO, जीरो टैलेंट चाहिए। पहली चीज ध्यान से समझ लो, पंक्चुअलिटी। पहली चीज पंक्चुअलिटी। बोलो, MBA पढ़ा लिखा हो वो भी पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकता है, डॉक्टर वो भी पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकता है, इंजीनियर वो भी पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकता है, प्रोफेसर्स, गांव का ग्वाला, पान पड़वानी बेचने वाला, सब पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकता है। और पंक्चुअलिटी के लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? कोई स्किल चाहिए क्या? कोई ट्रेनिंग चाहिए क्या? कोई मोटिवेशन चाहिए क्या? आप सिर्फ पंक्चुअल हो जाओ अपनी लाइफ, सिर्फ पंक्चुअलिटी आपको उठा देगा जनाब, उठा देगा। करके देखो। और सर ऐसा क्या चीज है जो जीरो टैलेंट रिक्वायर्ड है? सेकेंड थिंग इज व्हाट? इथिक्स, योर मॉरालिटी। आप पढ़ रहे हो ना, इथिकल होके पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? ईमानदारी है कि नहीं है कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? किताब खुला हुआ है, माँ बाप के आंखों में धूल झोंकने का काम, गुरु की आंखों में धूल झोंकने का काम, और आप बोल रहे हो कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? अरे जहां जीरो टैलेंट की आवश्यकता है वो तो आप इंबाइब कर ही नहीं रहे हो। आप जो भी वर्क कर रहे हो ना, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करो जनाब, पूरी ईमानदारी और पूरा निष्ठा के साथ। आप जिस दिन अपने कर्म को संपादित करने लग जाओगे, पूरी कायनात आपकी मदद के लिए उतर पड़ेगा, पूरी कायनात आपके लिए आ जाएगा। आप करके देखो। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेत्र यत्र वर्तन्ते तत्र देवता सहायकृत। छह गुण अगर आपके अंदर आ जाए तो देवता को उतरना पड़ता है उसके काम को पूरा करने के लिए। आप बेईमान हैं अंदर से, इसलिए सक्सेस आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। तो पहला चीज था पंक्चुअलिटी, उसके लिए टैलेंट चाहिए, इथिक्स, संस्कारी बनने के लिए, ईमानदार होने के लिए, एथिकल होने के लिए। डू यू नीड एनी ट्रेनिंग? Do you need any skill? Do you need any, you know, motivations? Do you need any books? Do you need any resources? No, not at all. Agreed? Yes. What I am saying? Yes or no? Yes, sir. Then the most important thing is what? Energy. आपको डेढ़ से दो घंटा बिठाने की ताकत मेरे के अंदर नहीं है, मेरी energy के अंदर है। आपको लग रहा है मैं कहीं से एनर्जी मेरी कम हुई है? और जोश आ रहा है, और आप भी जो पहले डल थे अब आप कितनी वाइब्रेंट होते जा रहे हो। यस और नो? क्या एनर्जी आने के लिए, क्या एनर्जी लाने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत है? ना ना ना, सुनो भैया, पहले मुझे टैलेंट दो फिर मेरे अंदर एनर्जी आएगी, अदरवाइज तो मैं मरा हुआ हूं। आएगी क्या? कौन लाएगा एनर्जी? यस और नो? अच्छा सुनो, गाड़ी में जब बैठते हो ढिकचिक 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 वाला जो म्यूजिक चलाते हो, वो एनर्जी इधर लगा दो। अग्रीड और नॉट? अच्छा बच्चे इतने एक्सपर्ट भाई। उधर लड़की से बात हो रही है। हाँ विकास बोल, बोलना भाई बोलना। अब विकास समझ गया कि बड़ा विकास बैठा है वहां, अपन को छोटा विकास की बात नहीं कर दिया। Yes or no, it happens or not? Yes, sir. पहला चीज जो जीरो टैलेंट वाला है, पंक्चुअलिटी। उसके बाद yes. उसके बाद एनर्जी। ये तीनों के लिए कोई स्किल चाहिए? नो सर। कोई ट्रेनिंग चाहिए? नो सर। कोई नॉलेज चाहिए? नो सर। देन इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा, बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है, करके देखना मजा आ जाएगा। आपने क्या करना है? एटीट्यूड डेवलप करनी है ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा। क्या करो? आप पढ़ने बैठो, आपने बनाया दो घंटा, कितने स्टडी का टाइम बनाया आपने? दो घंटा पढ़ूंगा। दो घंटा जैसे आपका हो जाए, बोलो यार 5 मिनट और बस,
पांच पेज पढ़ लिया, पांच पेज का टारगेट था, बोलो दो पेज और, डूइंग एक्स्ट्रा, डूइंग एक्स्ट्रा। चार योगासन करते हो, बोलो आज तीन और। दो प्राणायाम करते हो, बोलते हो आज पांच और। इंडल्ज इन द एटीट्यूड ऑफ डूइंग बिट एक्स्ट्रा वट एवर यू आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। थोड़ा थोड़ा रोज का एक्स्ट्रा इतना एबंडेंस क्रिएट कर देगा आपके लिए। थोड़ा थोड़ा प्रण कर लो।